हेलो रिवन, आज से 9 जनवरी और 9 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया है जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। ये विमान क्रैश हुआ है ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पर 8 जनवरी 2020 को बोइंग 737-800 विमान उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही क्रैश हो गया और इसमें 167 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स थे। 167 यात्री थे और 9 क्रू मेंबर्स थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? किस राज्य के विधानसभा? तो इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। झारखंड में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। और इसकी राजधानी होगी रांची, झारखंड का कैपिटल है रांची। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने का घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। और यह चिड़ियाघर 121 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। 121 एकड़ क्षेत्र में यह चिड़ियाघर बनाया जाएगा और इसमें एक नाम है शहीद अशफाकुल्ला खान, ये जो कि ककोरी कांड से रिलेटेड है, ठीक है। ककोरी लूट कांड षड्यंत्र के लिए अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को मौत की सज़ा सुनाई गई थी और क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को ककोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी और इसी घटना को ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो उसी से रिलेटेड है शहीद अशफाकुल्ला खान और इसी में एक और नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल, दोनों इसी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वें एशियाई प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन यानी कि एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पुणे में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और भारत इस सम्मेलन की मेज़बानी पहली बार कर रहा है, पहली बार भारत इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईरान ने हाल ही में किस देश को सभी सेना के आतंकवादी घोषित किया है? ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद मामले में पूरी अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया है और अमेरिका द्वारा बगदाद एयरपोर्ट पर एक एयर स्ट्राइक की गई है, उसी में एयर स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी, उसी के कारण ईरान ने सारे अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है भागलपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है भागलपुर। और यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया जा रहा है और ये इस तरह का पहला केंद्र है जो कि भागलपुर में खोला जा रहा है मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भारत के किस पड़ोसी देश ने? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है ढाका। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? इनके बाद किनको नियुक्त किया है ईरान ने? तो इसका इनका नाम है इस्माइल कानी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है इस्माइल कानी, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और इस्माइल कानी 1980 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स से जुड़े थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 4। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया हादसे को लेकर 7 जनवरी 2020 को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले में चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होगी, 22 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये इनका नाम है नरेंद्र मोदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, नरेंद्र मोदी के नाम पे ये बुक है कर्मयोद्धा ग्रंथ। और केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर एक पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ को जारी किया और पुस्तक अनुसार जो एक राजनेता, एक कठिन कार्यपालक, एक सक्षम प्रशासक और एक आदर्श नेता होता है और इन सभी गुणों का वर्णन नरेंद्र मोदी में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी और बुक का नाम है कर्मयोद्धा ग्रंथ, ठीक है। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट 9 जनवरी का करंट अफेयर। और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।